हेलो इशिता, हेलो निकिता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इशिता। मॉर्निंग निकिता। कुछ कंफर्म हुआ कब से स्कूल आना है? ऐसा कुछ पर्टिकुलर मैसेज वगैरह ऐसा कुछ आया आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन? ओके। गुड मॉर्निंग यशराज। संदीप, आपके नाम से दो आईडी यहाँ पे मतलब लॉग इन है। मॉर्निंग संदीप। यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर, अटेंडी के अंदर दो संदीप यहाँ पे शो हो रहे हैं। दो संदीप के नाम से आईडी लॉगिन है। निकिता यहाँ है क्या अभी क्लास में? निकिता वेट करते हैं। ऑलरेडी लेट है सभी। यशराज क्या करवाए, 11th का आगे करवाए कि 1st का चैप्टर डिस्कस करें आज? क्या करें? बताओ फटाफट। फर्स्ट चैप्टर सोच के तुम्हें भी अभी यही था मेरा भी कि फर्स्ट का ही डिस्कशन अपन ले लेंगे। फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क का हो, 2 का हो, फिर 4 का हो, फिर 6 का हो, उसमें से इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन नहीं हुआ है पहले, ठीक है, या फिर जो नोट्स वगैरह में कवर नहीं हुए थे, या किसी साल बाहर से इस तरीके का आया हो, तो वो भी अपन क्या करेंगे, वो मैं रिटर्न में दूंगी फिर आपको। पहले डिस्कशन करके फिर रिटर्न में देख लेंगे, ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो कवर करके आंसर और फिर आप मुझे सेंड कर देना। हाँ, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, फटाफट शॉर्ट शॉर्ट में अपन डिवाइड करके और फिर अपन रिवाइज कर लेंगे इसको। है भी छोटा ही चैप्टर, ऐसा नहीं है लंबा चौड़ा चैप्टर है कि नहीं हो पाएगा, वो चीज है नहीं।
आज इतना लेट लेट कैसे है सभी? या तो सैटरडे है फिर अटेंड ही नहीं करनी, तो या फिर धीरे धीरे आराम आराम से आएंगे। अपन डिस्कशन आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? आएंगे तब आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे पहले देखो, अपन ने मैनेजमेंट चैप्टर है वो स्टार्टिंग करा था, ठीक है? मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो किसी भी चीज को, ठीक है, मैनेज करना। मैनेज करना वर्ड में ही अपने को पता चल रहा है कि कोई भी चीज को मैनेज करना एक मैनेजमेंट है, ठीक है? उसके बाद में जब अपन ने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा था, ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन में हमेशा अपन वही चीज देखते हैं जो कि अपने को ऐसा लगता है कि डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मीन्स एक इंट्रो बेसिक जो मीनिंग है वहां से अपन स्टार्ट करते हैं, और डेफिनेशन पार्टिकुलर कोई भी ऑथर है, कोई भी राइटर, वो अपनी डेफिनेशन यहाँ पे इन्वॉल्व करता है, वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन पहले नहीं आएगी, पहले इंट्रो आता है, उसके बाद डेफिनेशन आती है। काफी बार ऐसा होगा कि मैनेजमेंट से रिलेटेड ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? अब अगर अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान है मैनेजमेंट के बारे में, तो सबसे आप पहले बेसिक लाइन में मैनेजमेंट को आप डिफाइन कर देंगे कि मैनेजमेंट है ये, बेसिक मैनेज वर्ड से बना है। मैनेज का मीनिंग होता है कोई भी एक पर्टिकुलर, ठीक है, थिंग को अपन प्रॉपर एक मतलब सिस्टम में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है? मैनेज करना किसी भी प्रॉपर पर्टिकुलर थिंग को अपन एक सिस्टम में अरेंज करने का काम करते हैं, वो एक मैनेज करना, ठीक है, कोई भी थिंग को। अब उसके बाद में बेसिक एक लाइन लिखने के बाद में आप डेफिनेशन पे अगर आएंगे, ठीक है, पर ये जो सारी चीजें हैं ये आपको जल्दी जल्दी करनी है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे लिखते जा रहे हो जमा जमा के कि पहले मैंने इंट्रो लिख दिया फिर डेफिनेशन लिख दी है, ऐसे करके एक ही क्वेश्चन पूरा होगा, बाकी के छूट जाएंगे, ठीक है? तो अगर 6 नंबर में, 1 नंबर में आ रहा है ना, 1 नंबर में जैसे यशताज यहाँ पे और संदीप और इशिता, तीन मुझे स्टूडेंट शो हो रहे हैं, तो तीनों जैसे एक क्वेश्चन आपका मीनिंग आता है कि भी लिबरलाइजेशन पॉलिसी है वो इंडिया में इंप्लीमेंटेड कब हुई थी, या लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसको फॉर्मेशन अपन ने कब देखा था इंडिया के अंदर। तो आप बेसिक एक लाइन में आपको मीनिंग देना है, एक लाइन में आपको आंसर देना है। तो ऐसा नहीं है पूरा आप लंबा चौड़ा उसके ऊपर लिख के आएंगे कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी ये है ये नहीं है, मीनिंग आपको सिर्फ इतना सा देना है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी है वो इंडिया में कब इम्प्लीमेंटेड हुई, कब हुई थी, बताइए। फटाफट लिबरलाइजेशन बताया था, इतना टाइम? यशराज आवाज क्लियर है मेरी? एक बार फटाफट रिप्लाई करते हैं, अगर थोड़ा सा ऐसे रहता है कि ठीक है, मतलब आवाज वगैरह आ रही है या नहीं है इस तरीके से रिलेटेड। 1990 का यशराज अपन मेंशन कर सकते हैं, लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1990, ठीक है, 1990। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने सिर्फ आपको दो ही चीज बताई है क्या? सबसे पहले मैनेजमेंट का जो एक मीनिंग है बेसिक मीनिंग, ये आप नोट्स की नोटबुक सामने लेके बैठेंगे उसी से अपन फटाफट रिवाइज कर लेंगे, डिस्कशन हो जाएगा। मैनेज और मेंट, ठीक है, मैनेज कोई भी चीज को टैक्टफुली मैनेज करना, ठीक है, चाहे वो लोगों को मैनेज करने का काम आप कह लीजिए, वो भी किससे, टैक्टफुली यानी बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है टू और मोर देन टू पर्सन जॉइंटली मेक ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट कह सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट, क्या कहा गया है, मैनेजमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सालों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज को आप घर में भी अरेंज करते हैं तो वो भी मैनेज करके ही रखना होता है कोई भी चीज को, ठीक है? इसके बाद डेफिनेशन में जब अपन आते हैं,
सबसे इजी डेफिनेशन जो आपको माइंड में बिल्कुल ध्यान रखनी है, वो डेफिनेशन आपकी बार बार क्या दिखा रही है, मैरी पार्कर फॉलेट। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट क्या कहा गया है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है, मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो कि दूसरों से काम करवाना जानती है, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट को एक कला का नाम दिया गया है कि मैनेजमेंट इस तरीके की आर्ट है जो दूसरों से इजीली। अब आप बताइए कि आज का जो एक सिनेरियो या मार्केट सिनेरियो अपन लेके चले, ठीक है, तो वहां पे आप इजीली किसी भी पर्सन से कोई भी काम करवा सकते हैं, नहीं आप नहीं करवा सकते, ठीक है, अगर आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, या फिर आप, अपन ये लेके चलेंगे कि भाई कोई भी एक सिस्टम से अगर अपने को वर्क करवाना है तो उसके लिए बहुत ही माइंडसेट अपने को करना पड़ता है, या तो अपने अंडर में वो पर्सन है जो पर्टिकुलर वो जॉब कर रहा है, या फिर बहुत ही सिस्टम से अगर अपन वर्क करवाएंगे तभी अपन दूसरों से काम करवा सकते हैं, अदरवाइज दूसरों से काम करवाना एक इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी मदर है, आपसे कोई भी काम करवाती है, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके सामने पहले प्रपोजल आपके सामने रखना पड़ता है, आप पहले प्रॉमिस कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद ही आप उस काम को कंप्लीट करते हैं, या फिर आप प्रेशर में हैं, ठीक है, तभी आप उस काम को कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज कभी भी दूसरे से काम करवाना कभी भी इजी वर्क नहीं माना गया है। तो मैरी पार्कर फॉलेट कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर्स। साथ ही साथ मैंने सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे कुंज की दी है, हॉरल कुंज जो है, कुछ भी अलग नहीं कह रहे, दो डेफिनेशन तो रट लो चाहे, सेम चीज है। यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड यूज करा गया है वो इसमें ऐड कर लो, ठीक है, कहा गया है विद फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, सेम डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट गेटिंग थिंग डन थ्रू बाय अदर्स, ठीक है, विद फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ऐसे ग्रुप जो कि ऑर्गेनाइज तो है पर फॉर्मली ऑर्गेनाइज है। फॉर्मल ऑर्गेनाइज मतलब कोई भी काम को अगर सिस्टम से आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहां पे फॉर्मल जो वर्क है उसको आपको इन्वॉल्व करना ही करना पड़ेगा। अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज के साथ या ग्रुप के साथ वर्क कर रहे हो तो वो एक लिमिट टाइम के लिए माना जाएगा, कभी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या अच्छी जो मतलब ग्रुप्स है उसमें आप कभी भी इनफॉर्मल ग्रुप्स में लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे आपको कौन से ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी फॉर्मल ग्रुप्स की। दो डेफिनेशन क्लियर है। इसके बाद में लॉरेंस एपले हैं, कुछ भी अलग नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं मैनेजमेंट इज द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। ये कहते हैं मैनेजमेंट इज द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट, मतलब जो भी अपन इसको कंप्लीट करने का है, जो भी रिजल्ट अपने सामने आता है, ठीक है, वो किस तरीके का आ रहा है, थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल, थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल, कि जो भी अपन ने काम दूसरों से करवाया है। पहली डेफिनेशन क्या कह रही थी, मैनेजमेंट एक आर्ट है जो दूसरों से काम करवाती है। अब जो काम आपने दूसरों से करवाया है ना, उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आउटपुट हुआ है, जितने एफर्ट्स आप लगाएंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न जब आपको मिल रहा है तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपने मैनेजमेंट में कितना अचीव करा है और कितना आपने अच्छा मैनेजमेंट करवा पाए है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज है वो पढ़ाई जाती है, जब आपको वो चीज पढ़ाई जाती है पूरी साल आपने भी पढ़ी है, ये डेफिनेशन आपको मैं पढ़ा रही हूँ 2 से 3 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है आउटपुट है कब देखने को मिलेगा, फटाफट टाइप करके बताओ। कोई भी ये जो बेसिक चीजें ना, ये अपने डेली रूटीन की लाइफ में थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर सोचा करो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फटाफट बताओ। जी, एग्जाम्स में आपको कितना याद रहता है सबसे पहले, और एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है ना इशिता, उसमें जो जो रिजल्ट है, मतलब कि आप कितना किसी चीज को पढ़ पाए हो, कितना आपने अचीव करा है, वो कितना आपके माइंड में सेट हुआ है वो चीज, ठीक है, वो आपको पता चलेगा, रिजल्ट जो आपका आ जाएगा, वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको ये चीज शो करवाएगी, ठीक है। सेम चीज है कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर भी जो आपका रिजल्ट है वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा, कितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं, कितना आपने दूसरों को, ठीक है, यहाँ पे मोटिवेट करा है, जो भी आप वर्क करवा रहे हैं उसका तरीका क्या रहा है, वो चीज यहाँ पे आपके रिजल्ट को शो करेगी, ठीक है। अब आज देखिए सैटरडे है और 3 आप स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हम तीनों क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है,
ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। आपकी बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास है, जो जिस हिसाब से पढ़ेगा, जो जिस हिसाब से अपना परफॉर्म करेगा, उसको आउटपुट उसी हिसाब से मिलना है। सेम चीज है, बिल्कुल बहुत क्लियर है। बहुत ही छोटी सी ये चीज है समझने वाली, कि आप इंडिविजुअल खुद का देखना शुरू कीजिए, ठीक है, कि कौन पढ़ रहा है उसको उतना ही फायदा मिलने वाला है, और नहीं पढ़ रहा तो नहीं मिलेगा। 1 घंटा आप इधर उधर भी वेस्ट करते, मुझे ऐसा लगता है 1 घंटा आप एग्जाम्स तो हमेशा जो यशराज आपकी मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है, 12th बोर्ड की एग्जाम्स है वो मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है। सिलेबस जो रिड्यूस करा है, ठीक है, उस सिलेबस रिड्यूस करने का जो पीछे जो एक ऑब्जेक्ट था वो यही था कि एग्जाम टाइम पे कंडक्ट होगी। सीबीएसई ने थोड़ा सा आगे मई जून का करा है, पर आरबीएसई ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो प्रॉफिट में भी तभी रहोगे जब मार्च में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। आगे चली गई ना बहुत, तो बहुत ही डिले हो जाएगा। और ना तो पढ़ाई जो होती है ना, वो पढ़ाई का जो एक टाइम है वो तो यही है, अभी पढ़ पढ़ा के और एग्जाम्स दे दोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आगे आपके खिसक जाती है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ना तो गर्मी का वो टाइम ना पढ़ा जाएगा, जो एक पर्टिकुलर सिलेबस है उसी को बार 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 रटते जाओगे, ठीक है। जैसे काफी बार होता है पेपर बहुत आगे खिसक जाते हैं, कि 8 4 पेपर तो हो गए और एक पेपर सीधा हो रहा है आपका मई या जून में, तो उस पेपर में सबसे कम ही मार्क्स बनते हैं, क्योंकि पढ़ा जाता है नहीं, बीच में बहुत गैप क्रिएट हो जाता है। तो मार्च में हो जाएगी तो फायदे में रहोगे। कॉन्क्लूजन कुछ भी अलग नहीं कह रहा, सेम चीज है। मैनेजमेंट इज द आर्ट और साइंस इन्वॉल्व ओवरऑल एक्टिविटी फ्रॉम गेटिंग वर्क डन थ्रू बाय अदर्स मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने का काम करता है। फ्रॉम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। टू अचीव द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स है उसकी बदौलत। अब इसके बाद में जब अपन मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो जो चीजें बेसिक चीजें आपके माइंड में आती है, बुक या नोटबुक का यूज मत करना, फटाफट बताओ कि कौन कौन से मैनेजमेंट से रिलेटेड बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में है, बताओ। दोबारा नहीं करवाऊंगी ये चैप्टर। सबसे इजी, सबसे जो अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या आती है? वर्क डन बाय अदर्स, वेरी गुड, ठीक है। फिर इसको एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस भी कह सकते हैं, पर्पसफुल एक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब एक्टिविटी, वर्कफोर्स के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। फिर क्रिएटिव एक्टिविटी के नाम से भी अपन जान सकते हैं इसको, आर्ट भी कह सकते हैं। बहुत अच्छी है यशराज, देखो इजी इजी तो बहुत सामने अपने आ रहे हैं, कि जैसे एक संदीप ने बताया कि वर्क डन थ्रू बाय अदर्स, फिर आर्ट है, ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, पर्पजफुल एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, फिर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी या प्रोसेस इसको कह सकते हैं, इंटेंजिबल फोर्स कह सकते हैं इसको, साथ ही साथ चैलेंजिंग टास्क है क्रिएटिव एक्टिविटी। ये सारी की सारी चीजें अपने को फीचर्स में अपने को पता चल रही है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट जब आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्ट मीनिंग कि मैनेजमेंट जो है उसका एक पर्टिकुलर जो एक उद्देश्य है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। 4 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले प्राइमरी है, सेकेंडरी है, पर्सोनल है, और यहाँ पे लास्ट है सोशल। प्राइमरी, कुछ भी नहीं पता आपको, सब कुछ आपके लिए नया है, सिर्फ इतनी सी चीज आप याद रखेंगे। जहां प्राइमरी वर्ड आ जाता है, आपको कुछ भी नहीं पता, सब कुछ आपके लिए नया है, आपको डाटा भी कलेक्शन करना है, आपको वहां पे थोड़ा बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू सेटिस्फाई द एस्पिरेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एस्पिरेशन यानी जो अपने मतलब उनसे रिलेटेड, अपन ये चीज कह सकते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, यानी हितधारक, ठीक है, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर अलग है, पर बहुत सारे काफी एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो भी अपने साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं।
सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आई है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में, पहले ये भी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहता, आप डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, आपको कुछ भी अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग संजना, संजना बहुत ज्यादा आप लेट है, आधा घंटा। सबसे पहली जो चीज आ रही है अपने सामने वो है टू प्रोड्यूस, ठीक है यशराज, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे ये चीज, कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट में ये चीज भी जो मैंने नोट्स पे मेंशन करके दी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पॉइंट पे लिख दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सबसे पहले जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट कोई भी मैनेजमेंट कमेटी का या ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो अपन कॉस्ट लगा रही है वो कॉस्ट तो अपनी मिनिमम होनी चाहिए, पर अर्न अपन उससे कैसा करें, मैक्सिमम करें। इस तरीके की बहुत अच्छी प्लानिंग अपने को करनी है, सबसे पहला काम। दूसरा, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट तो तभी बनेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अपने ने ये चीज प्रोड्यूस कर दी और अपने पास या स्टोरेज में रख दी, ठीक है, या वेयर हाउसिंग में रख दी, वो चीज तो नहीं आएगी। सेकेंड अपना आता है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। थर्ड यहाँ पे आता है टू पे फेयर रेमुनरेशन टू ऑल द रिसोर्सेज एम्प्लॉयड, जो भी अपने अंडर में वर्क कर रहे हैं, जिसका जिस तरीके से अपन रेमुनरेशन डिसाइड करके बैठे हैं, वो रेमुनरेशन फेयर तरीके से अपन क्या करें, पे करें, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले प्राइमरी में तीन चीजें अपन ने पढ़ी है, पहला अपने को कॉस्ट मिनिमम रेडी करनी है और आउटपुट ये अपने को कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। दूसरा, टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और थर्ड है अपने को पे करना है एक फेयर रेमुनरेशन जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उन सबको। तीन चीजें यहाँ पे प्राइमरी में अपने को शो हुई है। संजना इतना लेट कैसे हो गए? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो अपने को देखने को मिल रहा है, अब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट अपने को क्या कह रहा है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कह रहा है जो प्राइमरी आपने डिसाइड करा है ना उसको अचीव कौन करेगा, सेकेंडरी करेगा। अब सेकेंड पॉइंट अपने क्या पढ़ा था, कि डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स को और सर्विसेज को जब डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा ना, तो पहले ही सेकेंडरी स्टेप पे आएगा, ठीक है, मतलब जितने भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट डिसाइड हुए हैं उन सबको कंप्लीट फुलफिल करने का या अचीव करने का काम कौन कर रहा है, सेकेंडरी करेगा। सबसे पहले टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, टू इनहेंस द क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज, इनहेंस बनाए रखना, कोई भी चीज को बनाए रखना, टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी को बनाए रखना, ठीक है, मतलब किस टाइम पे क्या यूज करना है वो बताएगा सेकेंडरी। सेकेंड चीज यही है, टू यूज देम एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, टू यूज देम एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, किस टाइम को किस रिसोर्स को कब किस टाइम पे कब यूज करना है, ठीक है, किस जगह पे यूज करना है वो बता रहा है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी में सिर्फ डिसाइड हुआ था हर एक थिंग, जबकि यहाँ पे उनको अपन इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं। थर्ड, टू स्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन देयर यूज, कोऑर्डिनेशन मतलब फर्स्ट लॉट कब गया है, उसके बाद सेकंड अपना कब जाना चाहिए, तो मार्केट एक्टिविटी में थोड़ा गैप क्रिएट करना, वो कोऑर्डिनेशन कौन बिठाता है, वो है सेकेंडरी, ठीक है। आई थिंक प्राइमरी और सेकेंडरी में आपका डिफरेंस है वो क्लियर है। आइडिया ओपन नहीं हो रही थी, ठीक है। ठीक है, पर्सोनल अपने को क्या कह रहे हैं अभी, जो अपने पर्सोनल ऑब्जेक्टिव है ये अपने को कह रहे हैं, जितनी भी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा गया है हमेशा कि दो चीजें अपने सामने आती हैं, एक तो आता है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा आता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। अब इसको अपन कैसे कोऑर्डिनेट करके चले, इसको अपन एक साथ कैसे लेके चले। सबसे पहले, एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल विद द डिफरेंट नीड, जितने भी पर्सन्स के साथ अपन काम कर रहे हैं उन सबकी अलग अलग नीड्स हैं, उन सबका अलग अलग टेस्ट है, वो अलग अलग उनका थिंकिंग है, ठीक है, कोई भी चीज को सोचने का जो तरीका है सबका अलग अलग है, सबकी नीड्स है वो अलग अलग है। ईच इंडिविजुअल हैज देयर ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव विच दे वॉन्ट टू अचीव, ठीक है। आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद को इन्वॉल्व करती हूँ, मतलब कहीं भी मैं जा रही हूँ जहां मैंने
पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने मेरा कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, वहां पे सबसे पहले मैं मेरी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखूंगी कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इन्वॉल्व हुई हूँ। ठीक है यशराज, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पे आप अपना ऑन प्रॉफिट पहले देखेंगे। इशिता का भी सेम रहेगा, संदीप का भी सेम रहेगा, संजना जो यहाँ पे है उनका भी सेम रहेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सब अपना अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट है वो लेके एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा हो गए। सेकंड जो लाइन यहाँ पे मेंशन करी है मैंने, मैनेजमेंट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग देयर पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सो दैट नो कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, अलग अलग स्कूल से आप आई हो, ठीक है, अलग अलग स्कूल से आए हो, पहले आपने जैसा डेकोरम देखा था, जैसे आपने एनवायरमेंट देखा था, जैसा आपने माहौल देखा था, वैसे ही आप यहाँ पे आके खुद को एक बारी शो करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये होता है कि हम भी एक दो बारी आपको कह रहे हैं, ठीक है, और आप बाकी अपने जो कलिक्स वगैरह हैं, आपके जितने भी साथ वाले फ्रेंड्स हैं, उन सबको देखते हैं, धीरे 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 आप खुद को उस चीज में एडजस्ट करने के बारे में सोचते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे हर एक काम के लिए आपको मोटिवेट करा जा रहा है, आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल रही है। तो ये सब जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है, आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट को बाद में सोचे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट को पहले सोचे। दूसरी चीज, इन दोनों को साथ लेके भी आप चल सकते हो, ठीक है, पर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर की बात आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे अपन फेवर की बात करेंगे, तो वहां पे अपने को पहले किस चीज के बारे में सोचना है, वहां पे अपने म्यूचुअल ऑब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान में रखना है, अपन अपना प्रॉफिट बाद में देखें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर देखो ये नहीं है कि सिर्फ एक मैनेजमेंट भाई क्या मैनेजमेंट है, नहीं, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग भी आती है, ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है, मोटिवेशन भी आता है, आपका लीडरशिप भी आता है, स्टाफिंग भी आता है, ठीक है, सुपरविजन का वर्क भी आता है। ये सारी चीजें जब आपकी जॉइंट में एक जगह इकट्ठा होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, किसी ना किसी तरीके से, और ये रखा जाता है कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट अलग है और आपके म्यूचुअल जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो आपके अलग है, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, इस तरीके की कोशिश रखी जाती है। ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्ट में कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ इतनी सी चीज रखनी है अपने को कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन आते हैं, ठीक है, तो दे वॉन्ट टू अचीव देयर इंडिविजुअल और मतलब पर्सनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे स्टेबल कर रहा है किन किन चीजों के बीच में, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में, ताकि नो कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दोनों चीजें अपने अलग अलग रहनी चाहिए, ये चीज बताती है अपने को पर्सनल जो ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट अपने सामने आ रहा है, लास्ट है सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट में बारी बारी आपको ये चीज कह रखा है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट वर्ड भी हटा दीजिए, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड जो है वो भी अगर आप अपना ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा यहाँ पे, वेट, अगर आप अपना सोशल ऑब्जेक्ट भी ध्यान में रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ड आप हटा देंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करके चलना है, कैरी करके चलना है। ठीक है, एज ए बिजनेस नीड्स टू परफॉर्म सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द वेल बींग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के भले के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, हमेशा हर एक इंडिविजुअल पर्सन का कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसको आप सोचिए। मैनेजमेंट ये कहता है कि हम अपने फोर्थ ऑब्जेक्ट में, पहले हमने सबसे पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट देखा था जिसमें हमने कुछ चीजें डिसाइड करी थी, सेकेंडरी हमने जो डिसाइड करा था प्राइमरी में उसको कंप्लीट करने का काम हम सेकेंडरी में कर रहे हैं, थर्ड हम ये देख रहे हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्ट अलग होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट अलग होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, और फोर्थ और लास्ट सोशल ऑब्जेक्ट जो अपने को बता रहा है वो चीज अपने सामने ये कह रही है कि ये तीनों चीजें जब अपने सामने कंप्लीट हो रही है तो अपने को लास्ट में, ठीक है, और थोड़ा सा किसके बारे में सोचना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी सोचना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द सोसाइटी, थोड़ा सा जो काम अपन कर रहे हैं ना उससे सोसाइटी को भी बेनिफिट हो, सोसाइटी को भी वेलफेयर हो।
हमेशा इस तरीके की सोच अपने को रखनी है। जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ जो अपने स्केयर रिसोर्सेज है, यानी कि जो इस तरीके से है कि इजीली अपने को प्रोवाइड नहीं हो सकते, उन रिसोर्सेज को अपने को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वाटर, ठीक है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी इस तरीके की अपन देख सकते हैं चीजें, जैसे कि अपन ये कर रहे हैं ना मिनरल वगैरह, जो चीजें होती है अपनी मिनरल्स वगैरह, ये सब भी अपने इन रिसोर्सेज के अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे कहते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिस आप जगह काम कर रहे हो वहां पे बार बार आपको बताया गया है कि अलग अलग सेक्शंस के साथ आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट भी अलग है, उन सबको साथ में लेके चलना, कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। थर्ड, टू अपहोल्ड एथिकल बिहेवियर एंड प्रैक्टिस, मतलब बारी बारी आप प्रैक्टिस में उन चीजों को लो, एथिकल अपहोल्ड यानी कि बनाए रखना कोई भी चीज को। फोर्थ यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ ई सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये जो चीजें मैंने बताई है, जरूरी नहीं है कि आप सोशल ऑब्जेक्ट में 4 पॉइंट के थ्रू ही आप लिख के आए। अब जो भी अपने वर्ड्स हैं, जो भी जैसे भी आपको याद हो रहा है, आप पॉइंट में नहीं लिख के पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। जो भी आपको याद है पैराग्राफ में याद नहीं हो रहा, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। 4 के 4 पॉइंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूरा 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ना कि चारों ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर दो, तब तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और पर्सनल में भी आप अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, ये तीनों चीजें आप अच्छे से लिख दोगे। फोर्थ वाला जो आपका बचता है सोशल, इसमें 2 या 3 लाइन भी लिखोगे ना लास्ट में, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरी नहीं है पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखो, जैसे भी आपको जिस भी फॉर्म में आपको याद होता है वैसे ही आपको लिख के आना है, बस छोड़ के नहीं आना, मीनिंग समझ में आना चाहिए और वो क्वेश्चन को आप कंप्लीट करो। अब बताइए यहां तक ऑब्जेक्ट जो मैंने बताए हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आप बताओ, फटाफट बताओ, उसके बाद में अपन इम्पोर्टेंस है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब इतना टाइम नहीं है कि एक बार ही आप दोबारा इसको पढ़ोगे, ये वो जैसे मैंने बता दिया है वैसे वैसे बस समझते जाओ। जी, रिजल्ट देख लो, अच्छा रखना है अपने को, रिजल्ट अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट से भी अच्छा रिजल्ट आपका रहना चाहिए। बार बार मैं ये चीज कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा छोटा ना तो सिलेबस है ना ही कोई ऐसी चीज है कि लर्न नहीं हो पा रही, लर्न करने की दिक्कत ही नहीं है, लर्न करना ही नहीं है, अपने को सिर्फ समझना है हर चीज को और फिर अपने वर्ड्स में उसको लिख के आ जाओ, बस इतनी चीज है। रटने रटाने का कोई सीन नहीं है, कंफ्यूज वाला कोई सीन नहीं है। अगर रटोगे ना तो फिर क्या होगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। आपकी बुक में कितने सारे चैप्टर्स हैं, सब में इंपॉर्टेंस है, सब में ऑब्जेक्ट है, सब में नेचर है, सब में कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, क्या करोगे, सब कुछ मिक्स करके आ जाओगे, उसका उसमें लिख के आ जाओगे, उसका उसमें लिख के आ जाओगे, तो वो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए सिर्फ मीनिंग समझने की कोशिश करना। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद अलग अलग चीजों से, ठीक है, सिर्फ इतना दे रखा है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को पर्टिकुलर 4 मतलब इंपॉर्टेंस आप मेंशन कर दो, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पॉइंट्स में नहीं बता के नॉर्मली आपको पूछा जा रहा है तो आप 2-3 लाइन में मेंशन कर देना। 1 नंबर में अगर पूछा जा रहा है तो, 1 नंबर में आता नहीं है वैसे ही, 6 ही नंबर में पूछा जाता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, टुडे द मैनेजमेंट हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती है। अब इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट अपना, जो अपन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो अपन ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट वर्क को हटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैनेजमेंट अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंस दिया गया है, टुडे द मैनेजमेंट हैज बिकम द मोर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, मैनेजमेंट हैज ऑल्सो एसेंशियल इन एंशियंट टाइम, पुराने काफी ओल्ड टाइम से चलता आ रहा है, साथ ही साथ टूडेज एनवायरमेंट, ऑल्सो टूडेज एनवायरमेंट। देर आर टू रीजन, दो रीजन मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला, द नेचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम क्वाइट वाइडर देन द पास्ट। सबसे पहला जो रीजन है
कि मैनेजमेंट को अपन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो बोला जाता है कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशन के साइज होते थे ना, वो बहुत ही स्मॉल हुआ करते थे, ठीक है, छोटे छोटे हुआ करते थे। अब पहले की बजाय अब जो अपन देख रहे हैं वो थोड़ा वाइडर है कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ये कह रखा है कि जब मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, लार्ज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई भी चीज को जब अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पे डिफिकल्टी अपने को आएगी, ठीक है। सेकंड चीज कहते हैं कि उस डिफिकल्टी को, ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट करी हूँ कि उस डिफिकल्टी को अपन क्या कर रहे हैं भाई, एक सेकंड वेट, हाँ, उस डिफिकल्टी को रिसॉल्व करने के लिए अपने को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज कि ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल इम्पोर्ट भी हो सकता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, यहाँ के लोग हैं बाहर जाके बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और बाहर की कंट्रीज है वो यहाँ के इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। एवरी कंट्री एट इट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन। अब वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन जब है, ठीक है, पहले क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस नहीं था, मतलब इंडिया के लोग इंडिया में ही है, बाहर जाके कोई बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है, तो वहां पे कंपटीशन जो है वो ना के बराबर था। अपन अपने ही घर में है, जो भी अपने को करना है यही पकाना है यही खाना है, वहां पे कंपटीशन वर्ड यूज नहीं होता था, तो ज्यादा अपन इन चीजों के बारे में सोचते नहीं थे। अब अगर अपन कंपटीशन में खुद को सरवाइव करवाना चाहते हैं या खुद को टिकाए रखना चाहते हैं, तो एक टाइम के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम के बाद अपने को जो मैनेजमेंट वर्ड है उसको यूज करना पड़ेगा, हर एक काम को सिस्टम से कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी अपन सक्सेस ले पाएंगे, अदरवाइज अपन सक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन वर्ड को मैंने बताया था, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या बताया था बताओ, एक बेसिक सा मीनिंग अगर आप ले ग्लोबलाइजेशन का तो आप क्या लेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे एक इजी सा मीनिंग लेंगे ना, तो इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज अपन कह सकते हैं, जिसमें दो चीजें मैंने आपको बताई थी, पहला मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसके अंदर सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों चीजें हैं, साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है लोग हैं वो भी अब थोड़ा सा ग्लोबल तरीके से खुद के बिजनेस को यहाँ पे देखते हैं, तो मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन टू कंट्रीज, जिससे बेटर एजुकेशन है, बेटर इनकम है, बेटर जॉब है, वो किसका आउटपुट है, वो है मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट, जितने भी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, उन्हीं सब का पार्ट है। सेकंड, लिबरलाइजेशन पॉलिसी है 1990 का बताया था, गोल क्या था, गोल ये था मेकिंग द इकोनॉमी मोर मार्केट सर्विस ओरिएंटेड और एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये इसका बेसिक गोल बोला गया था। अब मार्केट कंडीशन, बहुत बारी एक नंबर में भी मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं कि लिबरलाइजेशन से पहले की जो मार्केट कंडीशन है वो कैसे हुआ करती थी, और लिबरलाइजेशन से बाद की जो मार्केट कंडीशन, इन सालों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं, पहले ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे, पर इन सालों में इस तरीके के क्वेश्चंस है वो अपने को देखने को मिलेंगे। तो लिबरलाइजेशन से पहले की मार्केट कंडीशन क्या हुआ करती थी और आफ्टर लिबरलाइजेशन मार्केट कंडीशन क्या है, सबसे पहले इजी इजी वर्ड में आप बताइए, मैंने मतलब इंडेक्स मेंशन करके आपको कंप्लीट डिफरेंस बता रखा है, सबसे इजी से इजी अगर अपन देखें ना, तो वो है बिफोर लिबरलाइजेशन सेलर मार्केट हुआ करता था, आफ्टर लिबरलाइजेशन बायर का मार्केट है, ठीक है, हमारा मार्केट है सबसे पहली चीज। सेकंड, नेचर ऑफ कंपटीशन, मोनोपोली वर्ड यूज करा गया है, मोनोपोली के लिए क्या बताया था मैंने बताइए, मोनोपोली वर्ड के लिए क्या बताया था, सेलर वन सेलर, ठीक है, और फ्यू बायर, बिल्कुल, एक अधिकार, एक अधिकार यानी मेरे अकेले का अधिकार है, जो भी मैं प्राइस वसूलना चाहूं मैं वसूल सकता हूं,
ठीक है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ कंपटीशन, पहले मार्केट में लिबरलाइजेशन पॉलिसी यानी लाइसेंस पॉलिसी वगैरह को थोड़ा सा रिलीफ मिला था, उसके पहले का जो कंडीशन था वो क्या था, वो था मोनोपोली के कंडीशन या फिर लिमिटेड कंपटीशन हुआ करता था मार्केट में। आफ्टर लिबरलाइजेशन लाइसेंस पॉलिसी थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ अपने को मिला था, जाहिर से बात है ग्लोबलाइजेशन भी आ गया था, प्राइवेटलाइजेशन भी आ गया था, तो ये सब पॉलिसी के बाद में कंपटीशन कैसा हो गया, बढ़ गया, इजीली बाहर की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो आके अपने देश में और क्या करने लगी, ट्रेड करने लगी, बिजनेस करने लगी, तो यहाँ पे कंपटीशन फुल कंपटीशन कहा गया है। थर्ड, द सोर्स ऑफ कंपटीशन कैसा रखा गया है, लिबरलाइजेशन से पहले इंटरनल रखा गया है कंपटीशन, ठीक है, कि बाहर की इंडस्ट्री से अपन ज्यादा मतलब रिलेट नहीं करते थे, जबकि आज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें कंपटीशन में अपने सामने आई है। फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ करता था, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं मोनोपोली है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना, मोर प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर लिबरलाइजेशन। आफ्टर लिबरलाइजेशन कहा गया है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना, ये अपना सबसे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता था। प्रॉफिट भी चाहिए, पर प्रॉफिट कब चाहिए, जब ये सब सेटिस्फिकेशन है तो उसके बाद अपने को चाहिए प्रॉफिट आफ्टर लिबरलाइजेशन, क्योंकि अपन कंपटीशन में सरवाइव कब कर पाएंगे, अगर अपन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की चाह रख रहे हैं तो कभी भी अपन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और कॉम्पिटिटर जो है वो क्या करेंगे, अपने को बीट करके आगे निकल जाएंगे, तो अपने को पहले जितने भी अपने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, उनको सेटिस्फिकेशन देना है, उनको सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर्स को अपना बनाना है, उसके बाद ओवरऑल अपना प्रॉफिट है वो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, ये नीति अपने रखनी है। बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, पहले जो होता था इंटरनल होता था, अब जो है कैपेसिटी बेस्ड बिजनेस है, जितना आप एफर्ट यूज करेंगे उतना ही आपका बिजनेस है वो सरवाइव करेगा, रन करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मेथड्स की बात अगर अपन करें तो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स हुआ करते थे, आज अपन ने उनको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और लास्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वर्ड को कोई नहीं जानता था, काम करना है बस, कैसे भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो वो सेकेंडरी वर्ड यूज करा जाता था, कि मैनेजमेंट को हमेशा सेकेंडरी में यूज करा गया है, जबकि यहाँ पे आफ्टर लिबरलाइजेशन मैनेजमेंट प्राइमरी है, मैनेजमेंट के बिहाफ पे ही स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं, ये चीज इसके अंदर बताई गई है। तो मार्केट कंडीशन बहुत ही इजी इजी है, अलग अलग तरीके से एक बार आप और देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद में मेन इंपॉर्टेंस अब आपने सामने आते हैं, वो तो दो रीजन थे, अब मेन इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, ठीक है, बहुत ही इजी से वर्ड्स है, कि सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। इसके बाद ही दूसरा पॉइंट आप ये भी ले लो, याद करवाने की एक ट्रिक बता रही हूँ, सबसे पहले अपने ग्रुप गोल को अचीव करने का बोला, सेकंड ये ले लो कि इट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल, पहले ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है तो पर्सनल गोल को हेल्प करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, क्योंकि अपन मोटिवेट है जितना अपना कैपेसिटी है, काफी बार क्या होता है कि अपन पढ़ना तो बहुत ज्यादा जानते हैं, ठीक है, ये होता है, पर अपन ये कह सकते हैं कि अपने जो फ्रेंड सर्किल है या जिस मतलब तरीके से अपन खुद को पढ़ा रहे हैं या जिस तरीके से अपन पढ़ना जान रहे हैं, तो अपना जो फ्रेंड सर्किल है तो धीरे धीरे करके अपना जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम होता जाता है। रीजन क्या होता है कि साथ वाले हैं वो भी नहीं पढ़ते, ठीक है, तो अपन उनसे मोटिवेट होके सीखेंगे क्या, कि ठीक है कम पढ़ना है और नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ये भी तो नहीं पढ़ रहे, तो वो चीज क्या होता है अपनी इफिशियंसी को डाउन कर देता है। जितना अपन पहले मतलब एक कैपेसिटी अपनी हुआ करती थी पढ़ाई की, उतना कैपेसिटी को अपन यूज ही नहीं करते, और इसी को अगर आप इंडिविजुअल या एक अच्छे डायरेक्शन में अच्छे ट्यूशन टीचर से, अच्छे टीचर्स के साथ अगर आप खुद की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का काम कर रहे हो, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इफिशियंसी को इंक्रीज कर रहा है, जो भी एक संस्था में, एक बिजनेस में, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं ना, उनको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि मैनेजमेंट में काम करने के बाद में और अपने को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तीन पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं, पहला, ठीक है, ये ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है, इट हेल्प इन अचीव ग्रुप गोल, सेकेंड इट हेल्प इन अचीव पर्सोनल गोल, थर्ड इट इन मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी, ठीक है,
तीन पॉइंट यहाँ पे आई है। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ईडीपी, जीडीपी जो अपन कहते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रॉफिट जो अपना है, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्रीज करने की बात करी गई है। सबसे पहले अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या करी गई है, अपन ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट पढ़े, जिसमें अपन ने अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया, सोशल भी अपन ने पढ़ा, जिसमें अपन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कंपटीशन जो है वो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद में बढ़ा है, उससे पहले कोई कंपटीशन नहीं था, बट ओनली द फॉरेन कंपनीज आर गेनिंग द एडवांटेज ओनली बिकॉज कंपटीशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल फैक्टर ऑफ द कंट्री, रेदर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंटरनल फैक्टर को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, कोई भी फैक्टर है पर्टिकुलर, एक्सटर्नल फैक्टर्स को करता है कि कंपटीशन बाहर मार्केट में अपन खुद को परफॉर्म कितना कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एक कंट्री का डेवलपमेंट है वो कब पॉसिबल है, जितना भी स्मॉल कोटेज हुई, मीडियम कोटेज हुई, जितनी भी इंडस्ट्रीज खोली जा रही है, ओवरऑल वो यहाँ पे दिखाएगा कि इंडिया का जो एक डेवलपमेंट है वो किस प्रोसेस पे या कहाँ किस मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस पे यहाँ पे वर्क कर रहा है। जैसे कि इंटरप्रेन्योरशिप की अपन बात करते हैं, 11th में आपने पढ़ा है ये चीज, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप अपन ने यहाँ पे सॉरी अभी इसी उसमें है आपका। तो इंटरप्रेन्योरशिप की जब अपन बात करते हैं ना, तो अब की बार ये 11th की बुक में थोड़ा सा चेंजेस आके ये वर्ड आया है बार बार। तो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या आपको बताया जाता है, इंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि जितने भी आप अपने एफर्ट्स यूज कर रहे हैं, जितना भी आप अपना वर्क कर रहे हैं ना, तो वो आपका आउटपुट दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया में इंटरप्रेन्योर जो है उनका बहुत अच्छा रैंक है, थर्ड रैंक बताया गया है कि इंडिया में इंटरप्रेन्योर जो है उनका रैंक थर्ड रैंक माना गया है, और इंडिया आज इंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में खुद को ग्रो भी कर रहा है और यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर पा रहा है। ये चीजें बताई गई है। कोऑर्डिनेशन, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन रखने का काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट ही करेगा, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंस बोला गया है। इनोवेशन एंड इट्स यूज, जाहिर सी बात है भाई, इनोवेशन की बात जब अपन करते हैं तो इनोवेशन तो ये है, कंपटीशन में खुद को सरवाइव करवाना है तो टाइम टू टाइम इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक तो होता है इनोवेशन और एक है इनोवेशन एंड इट्स यूज, इनोवेशन कर दिया आप उसका यूज किस तरीके से करना है वो चीज भी आती है, सिर्फ इनोवेशन से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें अपने को साथ लेके चलनी है। 6 पॉइंट मैंने बताए हैं। सबसे पहले इट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, इट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल, थर्ड यहाँ पे था मैनेजमेंट इंक्रीज करता है इफिशियंसी को, फोर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फिर है कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, और लास्ट है इनोवेशन एंड इट्स यूज। कितने पॉइंट से याद हुए, बिल्कुल ऑनेस्टी से बताना, तीनों कितने पॉइंट याद हुए? 6 पॉइंट में से कितने यहाँ पे याद हुए? चार पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है। एक बार ही दोबारा मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि सबसे पहले तो ग्रुप गोल को अचीव करने में, दूसरा पर्सनल गोल को अचीव करने में, इफिशियंसी को बढ़ाने का काम करता है, मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, फिर इनोवेशन एंड इट्स यूज, और सिक्स्थ जो अपन कह सकते हैं वो है कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट को। 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। संजना कितना हुआ? 9 पॉइंट याद। फटाफट इतना टाइम कहाँ लग रहा है? कॉपी की क्या जरूरत है?
जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो मैंने बताया है, वो तो सुनाई दे रहा होगा ना, तो उससे मैं पूछती हूँ कि जो 6 पॉइंट बताए, एक एक दो दो बारी पहले देखे हुए भी ये सारे, ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर 1 है वो पहली बार ही मैं करवा रही हूँ, या फिर उसको रिवीजन में अपन पहली बार ही ले रहे हैं, तो उसमें से कितने हुए वो चीज मैं पूछ रही हूँ। ठीक है ठीक है, तो अभी मैं जितना मैंने बताया है उतना मैं एक बार ही रिवाइज करवा रही हूँ। मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन अपन ने देखा, डेफिनेशन 3 तरीके से अपन ने देखी, पहला मैरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंग थी, दूसरा हॉरेन कुंज जो बता रहे थे डेफिनेशन, और थर्ड था अपना लॉरेंस एपली। उसके बाद में कॉन्क्लूजन अपन ने डिस्कस कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स अपन ने डिस्कस करे, ऑब्जेक्ट में 4 पार्ट्स अपन ने डिवाइड करे थे, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा पर्सोनल और चौथा सोशल। उसके बाद में मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस, बेसिक रीजन, और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, मार्केट कंडीशन, बिफोर लिबरलाइजेशन क्या था मार्केट में और आफ्टर लिबरलाइजेशन कितना मार्केट कंडीशन चेंज हुई है, और उसके बाद में इम्पोर्टेंस, जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है उनकी, बेसिक 6 पॉइंट्स अपने डिस्कस करे है। इतना आज इसका फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, ज्यादा बचा नहीं है। नेचर और लास्ट में जो अपने बिजनेस के एरियाज हैं वो अपने को डिस्कस करने हैं, तो वो अपन दोबारा करेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया है आज। ओके अच्छा, ठीक है, जितना मैंने भी करवा दिया उतना मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी। ठीक है, बाय यशराज, बाय संदीप, बाय संजना, कंप्लीट करते हैं क्लास।